नगर परिषद के खनिया थाना के टेकरी सरकार मंदिर के रामलीला मंच पर महाराज खलक सिंह जुदेव जी की जयंती के उपलक्ष्य में नगर के गौरव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुछ घंटे भजनों का मनमोहक कार्यक्रम आयोजित हुआ, पर खनिया थाना नगर परिषद CMO राघवेंद्र पलिया के जाने के बाद से बरसों पुराने रामलीला मंच की बनी प्रथा को तोड़ते हुए नगर परिषद अध्यक्ष पति और ससुर ने फिल्मी गानों पर नृत्य कराया और फिल्मी गाने गाए गए। इसी दौरान अध्यक्ष पति व दर्शक तालियां बजाते नजर आए और इस कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए कलाकारों के द्वारा इस रामलीला मंच पर जूते चप्पल पहनकर कार्यक्रम किया गया। वहीं पहले नगर परिषद खनिया थाना के कर्मचारियों के द्वारा अलाउंस भी किया गया था कि यह खनिया थाना का प्राचीन रामलीला मंच है और इस पर जूते चप्पल पहनकर ना आए। फिर भी नगर परिषद के अध्यक्ष पति, अध्यक्ष और नगर परिषद के कर्मचारी वहीं बैठे देखते रहे और फिल्मी गानों का लुफ्त उठाते रहे। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। भाई मेरे को तो इस बात की बड़ी शर्मनाक निंदा है क्योंकि धार्मिक स्थान पर महिलाओं का और कई जूते चप्पल पहनकर जो अपमानित कार्यक्रम हुआ है उसके तो खिलाफ हूँ मैं, और हमारी परिषद में इस बात का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये लोग कब क्या प्रस्ताव बना रहे हैं, कुछ समझ से बाहर है। हम अपोजिट वालों को पूछते भी नहीं, एंड टाइम पे आमंत्रित करते हैं और ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते हैं धार्मिक स्तर पर। इसके लिए तो मैं खफा हूँ, मुझे तो इस बात का बड़ा बुरा लगा है। बहुत ही निंदनीय कार्य किया है नगर पंचायत खनिया थाना के द्वारा। हमारे खनिया थाना क्षेत्र के गौरव महाराज खलक सिंह जुदेव के नाम पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें बेहद ही फुगड़ता के साथ फिल्मी गानों पर डांस गाना हुआ है और ये गलत कार्य नगर पंचायत के द्वारा किया गया है और इसका विरोध जनता का भी देखने को मिला है। वहाँ पर कुर्सियाँ खाली पड़ी रही और ये एक बहुत ही धार्मिक क्षेत्र जो परिसर था टेकरी मंदिर ग्राउंड पर लोग दारू पिए भी वहाँ देखे गए। और इसके बाद जो कार्यक्रम के आयोजक थे या जो कलाकार थे उस मंच पर चप्पल जूते पहने नजर आए। ये नगर पंचायत ने बहुत ही गलत कार्य किया है और हम इसकी निंदा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।